पीछे हो जा, तो तभी तो सेंड कर रहा हूँ एकदम। मम्मी छुपा ले, हिलना मत मम्मी। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 26 जनवरी। मम्मी को चेंज, मम्मी ऐसे होती रहेंगी। हेलो, मैं क्या करता रहूँ, ऐसे ऐसे करता रहूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे मैं ऐसे मुड़ जाऊँ नहीं। हेलो बोलो, बोलो। देखो मैं नहीं मार रहा यहाँ से, बोलो ही मत आप। हटा ली कछली, अभी इसको मत देना है, जल गई है, जल्दी से शॉट लेगा। कम कर लेगा। नहीं बोल लेंगे, बोलो। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 26 जनवरी, तो मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया मैं बता दे रही हूँ आपको। ये बनाई है मैंने मटर की पूड़ी। किसकी? इसु मटर की। आज मैंने मटर की पूड़ी बनाई है, और वो कैसे बनाई है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। पहले मैंने मटर छील लिया दोस्तों, फिर उस मटर को क्रिंजिंग कर रही है। तो मैंने पहले मटर छील ली, उसके साथ थोड़े से लहसुन छील लिए। मटर ऐसी आधी किलो से अंदाज में, आधी किलो से थोड़ी सी ज्यादा थी, वो मैंने छील के लहसुन छील लिया, उसमें 4 मिर्च और मटर को मिर्च को धो के रख लिया। और फिर फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल दे करके, और पहले लहसुन डाल दिया, फिर हरी मिर्च डाल दी, फिर मटर डाल दी, और थोड़ी कम गैस पर उसको थोड़ा भून के सोटे सोटे करके ढक करके पकाने के लिए रख दिया। मटर गल गई जब तक पकाया मैंने कम गैस पर, फिर उसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया, और पीसने के बाद आटे में फिर मिला दिया, उसमें मिलाया मटर जो पीसिया हमने वो, और थोड़ा सा मटर के साथ मैंने जीरा भी पीसा था। तो आटे में मिलाया, फिर उसमें हरा धनिया और जो मटर पीसी है वो, और हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये मिला करके और हमने अपने आटे को बना लिया कुछ इस तरह से। यह मटर की पूड़ियाँ तो ये बन गई हैं। देखो कैसी स्वादिष्ट लग रही हैं, ये बहुत जल्दी बन गई, और चाय के साथ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो इस तरह से बनाई आज हमने ये मटर की पूड़ियाँ। ये थोड़ा सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह से बना करके देखते हैं कैसी बनती हैं। तो मैंने चख भी लिया, टेस्टी है। तीन दिनों के बाद है आई मुझको ब्लॉग बनाने की याद। याद तो थी, बना भी सकती थी मैं, रोज डेली की ब्लॉग बनाती हूँ डालती हूँ, लेकिन ना मैं ना डिमोटिवेट हो गई थी कि हो ही जाता है ना कुछ, तो इसलिए मैंने इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया। अब ब्लॉग बनाओ, गाड़ी जरूर निकलती है, सो वो निकल के गई है तो निकलेगी। तो अभी मैं बता देती हूँ, मैंने खाना वाना सब बना लिया फटाफट फटाफट से जल्दी जल्दी, और ओरियो बुला रहा है मुझे, वहाँ गेट पर बैठा है, तो दिखाई दे रहा है ना, वो मुझे बुला रहा है और बोल रहा है कि छत पे चलो, तो वो उसको लेके जाना पड़ेगा। इधर दूध भी गर्म कर दिया, सारा काम कर दिया, तो ये ना ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं फिलहाल। मैंने बनाया था 26 तारीख को थोड़ा सा मटर की पूड़ी बनाई थी। हाँ चल रहा है ना, चल रहा है, अच्छा चलो, लो लो अपनी लिस्ट पकड़ो। तो उसके बाद फिर मैंने कोई नहीं बनाया। आज फिर मेरा मन कर गया कि चलो उठाओ कैमरा, लग जाओ काम पे, ऐसे काम नहीं चलता। कल भी धूप अच्छी निकली थी, आज भी बहुत अच्छी धूप निकल रही है सच में। और नहीं तो मैंने कपड़े धोए थे 5-6 दिन पहले धोए थे, तो समझ लो 4-5 दिन तक धूप ही नहीं निकली, तो मैं इतना परेशान हो गई थी कपड़ों को सुखाते सुखाते, तो मेरे दिल में आ रहा था
जाने कौन घड़ी में मैंने कपड़े धोए जो कि धूप ही नहीं निकल रही। आज बहुत अच्छी है, कल तो हवा चल रही थी, आज नहीं चल रही है। तो जो ऊपर से आकर के घर का तो सारा काम खत्म कर लिया है, जो भी बचा बचा काम था ना वो सारा खत्म कर लिया है, और अब अपना भी थोड़ा सा हुलिया सही करेंगे, बाल बाल काटेंगे। ऐसे उल्टा सिर करके बाल काटने से ना ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं। इसलिए मैं ऐसे काटने लगी हूँ अब, क्योंकि बहुत झड़ रहे थे ना बाल, तो कुछ तो करो भाई। तो ये अपना भी हुलिया सही हो गया, ठीक है जी। मैं ना कभी कभी ना बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ छोड़ो क्या करना, रोज रोज का इतना मेहनत, फिर क्या होता है, फिर जो मेरे अंदर ब्लॉगिंग का जो कीड़ा है, जो 4-5 साल पहले उसने जन्म लिया था ना, तो वो अब बन गया मगरमच्छ, तो फिर वो बिलबिलाने लगता है, तो वो बिलबिलाता है, तो वो कहता है अरे चल उठा कैमरा, तो वो मुझे मोटिवेट कर देता है। जो मेरे अंदर जो ब्लॉगिंग का जो कीड़ा ना, वो सच में अब बहुत बड़ा हो चुका है, उसको शांत करना बहुत मुश्किल है। तो फिर से मैं उठाती हूँ कैमरा, दो तीन दिन आराम करती हूँ, सोचती हूँ नहीं बनाऊंगी। एक मन कहता है अरे नहीं बनाओ, एक मन कहता है नहीं छोड़ो, एक मन कहता है नहीं बनाओ, फिर तीसरा वो आ जाता है जो अंदर जो ब्लॉगिंग का कीड़ा, वो कहता है तुम दोनों अलग हटो और चलो अर्चना वीडियो बनाओ। तब फिर से मैं सोचने लगती हूँ ना, मैंने पहले बनाई थी 26 तारीख को मटर की जो पूरी बनाई थी उसकी भी मैंने पूरी रेसिपी नहीं बनाई, इसी वजह से कि नहीं बनाती मैं वीडियो, जाओ नहीं बनाती मैं वीडियो। फिर मैंने बाद में सोचा, मैंने इसी से बोला इसी कैमरा पकड़ ले थोड़ी सी बता दूँ, वैसे ही बता दूँ, क्योंकि मैं मन नहीं मानता कि एक जो जो तुम्हारा जो पैशन होता है, जो तुम्हारा एक जुनून एक शौक हो जाता है ना, उसके बिना जिया नहीं जाता फिर सच में। वो मन में घटकता ही रहता है कि अरे यार नहीं, इसके बिना जिंदगी क्या है फिर, कुछ नहीं। तो इसलिए फिर से उस दिन के बाद बस थोड़ी सी क्लिप बना करके छोड़ दी, और फिर आज फिर मैंने उठा लिया कैमरा और आज फिर से शुरू कर दिया है अपनी ब्लॉगिंग। और मैं ना रोज की बनाती हूँ, रोज डालती हूँ, लेकिन चलता है, कभी कभी आराम नहीं करना चाहिए भाई। सरकार भी संडे की छुट्टी देती है सबको, लेकिन ब्लॉगर की कोई छुट्टी नहीं होती, संडे को तो और भी ज़्यादा घर का काम और फिर ब्लॉगिंग, वाह क्या बात है, मजा ही आ जाता है, इतनी मेहनत, वाह वाह वाह। चलो जी तो अब करते हैं उस दिन की जो क्लिप रखी है उसको भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी एडिटिंग करके रखते हैं, क्योंकि आज मौसम है सुहाना, धूप खिली हुई है, ऊपर गई थी बड़ी अच्छी लगी धूप सच में। मैं ना बहुत देर से लगी पड़ी हूँ, आज मैं क्या कर रही हूँ ना, सबसे फेवरेट वाला काम कर रही हूँ मैं, ये अपनी अलमारी को रीसेट किया मैंने, रीसेट फिर से सारे कपड़े निकाल के और फिर से लगाए हैं, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा मुझे दिखाई दे रहे थे, जब भी ये निकालो तभी एक्स्ट्रा कि ये फालतू है, तो वो मैंने सारे निकाल लिए। तो देखो एक ये पॉलीथीन मैंने निकाल दिया भर के, और ये वाला बैग, इसमें साड़ियां निकाल दी हैं जो कि बहुत ही कम पहनी जाती है ना वो वाली, तो इनको सबको चलो बक्से में डाल के, और को टिकाना सच में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये बक्सा है, बक्से में है अभी जगह, और कहां रखे बक्से में डाल देते हैं। अभी एक पॉलीथीन और है उसको भी ले आऊं, सच में बहुत थकान हो जाती है, और थकान तो हो जाती है लेकिन सुकून बहुत मिलता है जब अपनी अलमारी रिसेट हो, मतलब सेट हो जाती है ना, तब बहुत सुकून मिलता है। और मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तभी मैं ये वाला काम करने बैठ जाती हूँ, रिसेट ना करूँ फिर भी उन्हें निकाल के देखती हूँ, और पता नहीं क्या होता है, थक भी गई सच में। और क्या होता है, कपड़ों की महक से मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है, पर कुछ भी हो, चलो आज काम तो हो गया।
एकदम अपना।